हेलो एवरीवन आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अभी तक हमने रिवीजन सेशंस के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स को कवरअप किया था और आज से जो रिवीजन सेशन अब शुरू कर रहा हूं वो है स्टैंडर्ड्स के और आज हम तीन स्टैंडर्ड्स को कवरअप करेंगे एस ए फाइव के सिमिलर एक स्टैंडर्ड है 620 उसको एंड दे आर आफ्टर फाइव हंड्रेड जो 500 की सीरीज है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट एविडेंसिस की बात करती है बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टैंडर्ड कि एक बार आपको क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ जो स्टैंडर्ड्स का ओवरऑल नेम है उसको हम क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड और दूसरे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंदर एक स्टैंडर्ड इशूड है ओनली एस क्यू सी वन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में चार तरह के स्टैंडर्ड हैं एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दूसरा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट थर्ड वन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड फोर्थ वन स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो है हंड्रेड से ट्रिपल नाइन की और एक एसक्यूसी वन भी है हमारे सिलेबस में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है हंड्रेड से वन डबल नाइन इंट्रोडक्ट्री टॉपिक्स उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है टू हंड्रेड से टू नाइनटी नाइन प्रिंसिपल्स के स्टैंडर्ड्स हैं 300 से 499 रिस्क असेसमेंट के स्टैंडर्ड 500 से 599 ऑडिट एविडेंस के स्टैंडर्ड 600 से 699 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स एंड 700 टू 799 ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग 800 हंड्रेड टू एट नाइन्टी स्पेशलाइज एरिया के हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है एंड 900 हंड्रेड टू नाइन मिसलेनियस उसमें कोई स्टैंडर्ड एड सच इशूड ही नहीं है तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 500 वाली सीरीज के साथ स्टार्ट करा रहा हूं ऑडिट एविडेंस की सीरीज और इसमें एक स्टैंडर्ड में साथ साथ 600 सीरीज का भी लूंगा 620 का तो स्टार्ट करते हैं एस ए फाइव के साथ एस ए फाइव ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है फर्स्ट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर ने यूज किया इन अराइविंग एट द कंक्लूजन जिस पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को बेस करता है उसको हम ऑडिट एविडेंस का नाम देते हैं ऑडिट एविडेंस में बोथ इंफॉर्मेशन मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो इंफॉर्मेशन है वो भी और इंफॉर्मेशन यदि आपने आउटसाइड सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को भी यूज किया है उसको भी कवर करेंगे ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज वेल एज द इंफॉर्मेशन ऑबटेन फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑडिट एविडेंस की नेचर की बात करें तो ऑडिट एविडेंस की नेचर ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशियंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट तो ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जो उसको हेल्प कर सके इन कलेक्शन ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। जब हम वर्ड सफिशियंट की बात करते हैं तो सफिशियंसी रेफर करता है ऑडिट एविडेंसेस के नंबर पर ऑडिट एविडेंसेस की क्वांटिटी के ऊपर और व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी को और जब हम सफिशियंसी की बात करते हैं ये डिपेंड कर जाता है कि रिस्क कितना है रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे अप्रोप्रिएटनेस ज्यादा है तो आप कम एविडेंसीज से भी अपना काम चला सकते हैं तो ऑडिट एविडेंसिस की सफिशियंसी डिपेंड करती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पर एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसिस पर नौ <coughs> इसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी जब एक इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस आप ट्रीट करेंगे वो इंफॉर्मेशन ऐसे फाइव हंड्रेड ने दो कैटेगरीज में बांट रखी है नंबर वन मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन एंटिटी ने खुद प्रोड्यूस की यदि इंफॉर्मेशन एंटिटी ने खुद प्रोड्यूस की तो एज ए ऑडिटर मुझे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं चार मेन बातों के और वो चार बातें क्या हैं नंबर वन एक्यूरेसी का नंबर दो कंप्लीटनेस का नंबर तीन प्रिसाइजनेस का एंड नंबर चार सफिशियंट डिटेल का तो जो ऑडिट एविडेंसिस हमारे पास है यदि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोड्यूस की है और आप उस इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हैं तो आपको इस इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस उसकी एक्यूरेसी उसकी प्रिसाइजनेस एज वेल एज उसकी डिटेल को इंश्योर करना पड़ेगा बट यदि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है बाय यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक्सपीरियंस इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है जिसको एंटिटी ने एंगेज किया है ताकि वो पर्सन अपनी ओपिनियन दे सके इन रिलेशन टू सम फाइनेंशियल आइटम और उसकी वर्किंग के बेस पर जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करा सके जैसे एक्चुअली आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, एडवोकेट्स इनकी ओपिनियंस पर हम कई बार फाइनेंशियल आइटम्स की फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं नौ यदि आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रोड्यूस की है और उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेस पर क्लाइंट ने मतलब एंटिटी ने कोई भी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज की या किसी ट्रांसेक्शन को रिकॉर्ड किया या कोई लैंड बिल्डिंग उसकी रिवेलुएशन की तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस ट्रीट करेंगे इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है नंबर वन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवेलुएट करना है नंबर दो इस एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड नंबर तीन इस एक्सपर्ट के काम की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये की वर्ड सारे आपको याद रखने हैं ऑडिटर सॉरी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एक वर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट दूसरा वर्ड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क आगे जो आपको डिटेल मिलेगी वो कैसे आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेलुएट करेंगे नंबर वन टू इवेलुएट द कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन तीन चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए आप कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है नंबर वन आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यदि आपने पास्ट में उसके साथ काम किया हुआ है आप उस एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग सकता है आप डिस्कस कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से जो फेमिलियर है इस एक्सपर्ट की वर्किंग के साथ आप इस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन क्या ये एक्सपर्ट किसी प्रोफेशनल बॉडी का या इंडस्ट्री एसोसिएशन का मेंबर है लाइसेंस टू प्रैक्टिस और एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिकॉगनीशन इससे भी आइडिया लगा सकते हैं उस पर्सन की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी का उसने कोई पेपर पब्लिश करा रखा है या कोई बुक लिखी हुई है उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा उस पर्सन की कम्पिटेंसी का और यदि आपका अपना कोई एक्सपर्ट है तो आप उससे भी इस एक्सपर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या आ गया यू नीड टू इवेलुएट कंपिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक कम्पिटेंट पर्सन है कैपेबल पर्सन है और वो अपनी वर्किंग को बिना किसी बाइसनेस के कर रहा है तो अब आप आगे सेकेंड स्टेप के ऊपर चलिए आपका सेकेंड स्टेप क्या है यू नीड टू अपटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क और उस अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या मेन चीज़ें हैं नंबर वन उसका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है क्या उसके प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल या अदर स्टैंडर्ड या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हमारे ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कंपनी एक्ट ट्वेंटी थर्टीन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं तो क्या इस तरह से इसके ऊपर भी कोई ऐसी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड्स है क्या एजम्शन मैथड्स वो जनरली यूज करता है किस तरह के डाटा पर वो काम करता है क्या डाटा उसको मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया था इन सब चीजों की जानकारी लो और यदि आपको लगता है कि हाँ उसने प्रॉपर एरिया एरिया में स्पेशलाइजेशन ले रखी है जिस एरिया का वो काम कर रहा है जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूं एक्चुअरी एक्चुअली की दो मेन एरिया में स्पेशलाइजेशन हो सकती है एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर और दूसरा टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज लाइबिलिटीज तो यदि एक कंपनी अपने एंप्लॉज की फ्यूचर लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए एक्चुअरी को हायर कर रही है और उस एक्चुअरी का एक्सपर्टीज लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है तो जनरली हम इसकी वर्किंग के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे एंड वंस कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी आपने चेक कर ली आपने एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग ले ली अब आपको चेक करना है इसके काम की अप्रोप्रिएटनेस इवेल्युएट स ऑफ एक्सपर्ट वर्क और इसके लिए आपको मेन तीन चीजें नंबर एक फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन उसने जो अपना कॉन्क्लूजन दिया है क्या वो रेलिवेंट है रीजनेबल है और दूसरे एविडेंसिस से कंसिस्टेंट है कहीं पर कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं आए कॉन्ट्रावेंशन की जगह इनकंसिस्टेंसी वर्ड यूज करें डिफरेंसिस तो नहीं है एक एविडेंस कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है दूसरा एविडेंस कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एजम्पन्स मेथड्स यूज किए जा रहे हैं क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है और जो डाटा जिस पर वो काम कर रहा है क्या वो रेलिवेंट कंप्लीट एंड एक्यूरेट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हाउ टू इवेलुएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क नो अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है देखिए मैटर्स अफेक्टिंग एन टी ई नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इनकेस ऑफ इंफॉर्मेशन बींग प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट यदि कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से मैनेजमेंट ने एक्सट्रैक्ट की है और आप उसको एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को कौन कौन से मैटर हैं जो अफेक्ट करते हैं लाइक मैनेजमेंट एक्सपर्ट किस मैटर के ऊपर काम कर रहा है और डेफिनेटली वो मैटर कंप्लेक्स तो जरूर होगा वो मैटर कंप्लेक्स तो जरूर होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है इस पर्टिकुलर मैटर का इसके अलावा आप कहां से ऑल्टरनेट सोर्सेस तलाश सकते हैं जहां से आपको ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम का नेचर उसको क्या स्कोप दिया गया है उसको क्या ऑब्जेक्टिव्स, उसके टारगेट सेट किए गए हैं उसको आप देखिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का क्लाइंट का एम्प्लॉय है या वो एक थर्ड पार्टी है अब मान लो यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय हो तो मैनेजमेंट उस पर अपना इन्फ्लुएंस एक्जर्ट कर सकती है जिसका नतीजा क्या होगा उसकी वर्किंग के ऊपर शायद मैं रिलाई ना कर पाऊं बट यदि वो एक थर्ड पार्टी है इंडिपेंडेंट पर्सन है तो चांसेस हैं उसने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया होगा और मैं उसके काम पर रिलाई कर सकता हूं एक्सटेंट जमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है एक्सपर्ट के काम पर क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू समेनिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जैसे हमारी ऑडिट हमारी ऑडिट इज सब्जेक्ट टू समी तरह से क्या इस एक्सपर्ट का काम भी इट इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन बाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बाई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स नेचर एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल्स विद इन एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट अब देखा जाए तो ये point, ये point, ये एक पॉइंट 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 लगभग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यदि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्लाइंट का एम्प्लॉय है तो उसके काम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट उसके काम को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रही है कौन से कंट्रोल उसके काम के ऊपर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं ऑडिटर की नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज हमारी खुद की नॉलेज क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट अब ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल से पॉइंट लगते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैटर जिसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है, उसका रिस्क ऑफ क्या है, उसका नेचर कंप्लेक्सिटी क्या है तो कुछ चीजें तो जिस मैटर के ऊपर एक्सपर्ट काम कर रहा है उस पर हो गई उस मैटर का आर और उस मैटर की नेचर एंड कंप्लेक्सिटी कुछ चीजें इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की अपनी ऑब्जेक्टिविटी पर कंपिटेंसी पर कैपेबिलिटी पर इस ये कंपनी का एम्प्लॉय है या ये एक आउटसाइड पर्सन है इसके ऊपर कितना कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है वो चीजें आ गई कुछ ऑडिटर की अपनी बातें आ गई कि मेरी अपनी क्वालिफिकेशंस मेरी अपनी नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर मैटर के रेफरेंस में मेरा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है तो ये चीजें आप तीन पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं नंबर एक जिस मैटर पर एक्सपर्ट काम कर रहा है उसके रिलेशन में कुछ बातें हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी और उसके ऊपर मैनेजमेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया गया कंट्रोल उसके ऊपर कुछ बातें हैं और फिर ऑडिटर की अपनी नॉलेज इन द मैटर्स ऑन विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज वर्किंग या ऑडिटर का अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कुछ बातें हैं इसके ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है ये रहा मे 18 में ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि गैप लिमिटेड पोजेस सम इन्वेस्टमेंट फॉर विच देयर इज नो रेडी मार्केट एंड टू असेस इट्स फेयर मार्केट वैल्यू इट हायर्स एन एक्सपर्ट द रिजल्ट ऑफ विच इट कैन यूज इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बींग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी स्टेट द मैटर्स विच अफेक्ट द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स तो इसमें आपको ये मैटर ही रेफर करने पड़ेंगे अब केस स्टडी आ जाए तो ठीक है जो कंसेप्ट मैंने समझाया उसके बेस पर आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं थी? पहले उस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दें देयर आफ्टर फिर उसके बाद आप जो केस स्टडी के फैक्ट्स हैं उससे रिलेट कर दें और फिर लास्ट में आप अपना एक कंक्लूजन दे सकते हैं बट यहां पर ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है आपको डायरेक्ट थ्योरी मेंशन करनी है ये मैटर क्वेश्चन मैटर के ऊपर है तो इसका मतलब आपको इन्हीं मैटर को लिखना पड़ेगा इन्हीं मैटर को आपको अपने आंसर का पार्ट बनाना पड़ेगा जैसे ये पहले दो पॉइंट ये पर्टिकुलर जिस मैटर के ऊपर एक्सपर्ट काम कर रहा है उस मैटर से रिलेटेड हो गई फिर कुछ पॉइंट आप देखिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड हो गए मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड पार्टी है फिर आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड काम करता है और फिर उसके बाद आप कुछ बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट उसके काम पर कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है या एंटिटी के कंट्रोल जो उसके काम पर अप्लाई किए जाते हैं और फिर इन रिलेशन टू ऑडिटर आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं सो so, चार पार्ट में रादर तीन की जगह मैं कह सकता हूं चार पार्ट में आप अपने आंसर को दे सकते हैं मैटर्स नंबर दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव नंबर तीन मैनेजमेंट कितने कंट्रोल उसके ऊपर एक्सरसाइज कर रही है एंड नंबर चार ऑडिटर के रेफरेंस में ऑडिटर्स की अपनी नॉलेज इन रिलेशन टू द एरियाज ऑफ स्पेशलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर का अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस विद दैट एक्सपर्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑडिट के दौरान आपको दो ऑडिट एविडेंसिस में कोई इनकिस्टेंसी नजर आती है या आपको ऑडिट एविडेंसिस की रिलायबिलिटी पर कोई डाउट होता है तो आप क्या करेंगे इन दैट सिचुएशन सिंपल कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिटर शैल डिटरमाइन मॉडिफिकेशंस या तो प्रोसीजर्स को चेंज करो या एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो जब ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे से या फिर ऑडिटर को डाउट है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑडिट प्रोसीजर पहला प्रोसीजर आरएपी जिसके अंदर आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड असेस करते हैं जिसकी डिटेल आप 315 के अंदर पढ़ते हैं बेस्ड अपॉन द असेसड रिस्क फर्दर प्रोसीजर्स जिसके अंदर आप इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करेंगे और अकाउंटिंग डाटा की एग्जामिनेशन करेंगे अकाउंटिंग डाटा की एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके कंट्रोल आ जाएंगे वो दो हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल जिसके अंदर फिर दो प्रोसीजर हैं, एक वाउचिंग का दूसरा वेरिफिकेशन का और फिर एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जिसकी डिटेल आप एस ए में पढ़ेंगे एस ए फाइव हंड्रेड ट्वेंटी और यह सारी डिटेल भी आप कवर अप करेंगे एस ए थ्री हंड्रेड थर्टी के अंदर नौ इसके बाद फिर एक टॉपिक है मेथड्स टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस सात मेथड है इंटर के अंदर भी आपने पढ़ रखे हैं इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे एक इंस्पेक्शन दूसरा इंक्वायरी तीसरा ऑब्जर्वेशन रिकल्कुलेशन रिपरफॉर्मेंस एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर सात वर्ड आपको मेन याद रखने हैं इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन अरे क्या हो रहा है inspection, जिसमें आप रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं ऑब्जर्वेशन लुकिंग एट ए प्रोसेस और ऑब्जर्विंग समथिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन अभी नेक्स्ट लेक्चर में एस ए फाइव करेंगे उसमें इसकी डिटेल आ जाएगी सारी रीकैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए रीपरफॉर्मेंस इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर एस ए में पढ़ेंगे इंक्वायरी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेज एबल पर्सन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है डिपेंड करता है कि ऑडिट एविडेंस आपने एक्सटर्नल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया है या इंटरनल से एक्सटर्नल एविडेंसेस आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन इंटरनल हाउ इंटरनल एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है यदि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है Audit evidence directly collected by the auditor are considered more reliable than the evidences collected indirectly through the management. Audit evidences in documentary form they are considered more reliable than the evidences in the form of oral or visual. Audit evidences provided by original documents they are considered more reliable than the audit evidences which are provided in photocopies. So. एस ए 500 था इसके मेन मेन टॉपिक में, -में मैं आपको फिर यदि मार्क करा दूं जिनको आपको मेन याद करना है वो ये है इवालुएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये टॉपिक इस स्टैंडर्ड का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बने हुए हैं बाकी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर पर ऑडिट मेथड्स पर रिलायबिलिटी के ऊपर भी आए हुए हैं जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जेड लिमिटेड ने एक आउटसाइड एक्सपर्ट हायर किया टू असेस एक्रूड ग्रेचुटी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द सेड रिपोर्ट कंपनी ने 80 लाख रुपीस एज ग्रेचुटी प्रोवाइड की तो ये एक्सपर्ट किसने हायर किया है कंपनी ने हायर किया है कंपनी ने हायर किया तो ये पर्सन कौन होगा ये पर्सन होगा एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो इसके अंदर आप कैसे इस इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस मानेंगे नंबर एक आपको इस ऑडिटर एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को इवेलुएट करना है यू नीड टू ऑबेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क यू नीड टू इवेलुएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ डाटा यूज एंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस अजम्पन्स एंड मैथड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ स्टेट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील एल एन के ग्रुप ग्रेचुअटी स्कीम वैल्युएशन बाय एक्चुरी शोज वाइड वेरिएशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिगर्स जो एक्चुरी ने अपनी वैल्यूएशन की है एम्प्लॉप ग्रेचुअटी की वो पिछले साल की फिगर से काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है तो आप इसके डाटा को चेक करिए इसकी एजम्पन्स को देखिए कि क्या एजम्पन्स इसने करंट ईयर में रेलिवेंट एंड रीजनेबल यूज की हैं या नहीं की जिस डाटा के ऊपर इसने काम किया क्या वो डाटा कंप्लीट है रेलिवेंट है रीजनेबल डाटा पर उसने काम किया है एक्यूरेट डाटा पर एक्यूरेसी कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंसी पर तो ये चीजें एज ए ऑडिटर हमें चेक करनी है और इस क्वेश्चन के आंसर में भी वही मेन बातें आएंगी जो आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इवेलुएशन के अंदर कवरअप करते हैं अच्छा फिर एक और कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखें ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया ऑप्टेनिंग एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटांटिव प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर्स लिखने हैं आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है इंक्वायरी के ऊपर और एक क्वेश्चन आया हुआ है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर जो केस स्टडी है वो प्राइमरीली किस टॉपिक पर है वो है इवेलुएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट केस स्टडी प्राइमरीली इस टॉपिक के ऊपर है चलिए ये था 500 हमारा अब इसके बाद एस ए सिक्स की बात करता हूं आपसे एस ए सिक्स इसी तरह से मिलता हुआ एक स्टैंडर्ड है कि जहां पर इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर ने एक एक्सपर्ट को हायर किया है ऑडिटर ने एक्सपर्ट को हायर किया सो ऑडिटर एक्सपर्ट यदि ऑडिटर एक एक्सपर्ट को हायर करता है किस पर्पस के लिए टू असिस्ट द ऑडिटर इन ऑप्टेनिंग सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो ऐसे सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी अप्लाई हो जाता है और काफी प्रोसीजर्स वही हैं जो आप 500 में पढ़कर आए हैं अभी यह स्टैंडर्ड डील करेगा कब जब एक ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करता है बट मान लीजिए यदि ऑडिटर की टीम का ही एक मेंबर इस फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज रखता है टीम का ही कोई मेंबर देन वो ऑडिटर एक्सपर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करता है तो आप एस ए फाइव हंड्रेड अप्लाई करेंगे एस ए फाइव हंड्रेड अप्लाई करेंगे किन एरियाज में एक्सपर्ट के काम की मदद ली जा सकती है वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड बिल्डिंग एंटीक आर्ट ज्वेलरी एटसेट्रा एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज इनमें कौन मदद करेगा इंजीनियर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस ऑफ कंप्लेक्स और अन टैक्स कंप्लायसेज एडवोकेट एडवोकेट ना अब इसके अंदर आपको जो प्रोसीजर देखना है सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या आपको एक्सपर्ट की जरूरत है यदि एज ए ऑडिटर मुझे लगता है आई नीड एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन इन एरिया अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग तो इसका मतलब है मुझे एक, एक एक्सपर्ट की जरूरत है और किस काम के लिए मैं एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहूंगा मैं एक्सपर्ट को हायर कर सकता हूं कि मैं क्लाइंट के बिजनेस को नहीं समझ पा रहा आप उस बिजनेस को समझकर मुझे समझाएं टू ऑबेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवाइरमेंट मींस आर को परफॉर्म करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए उस अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट का पार्ट हो गया टू डिटरमाइन मेरे क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए इस रिस्क की असेसमेंट के बेसिस पर मुझे मदद करे वो पर्सन टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स जो मुझे डिजाइन करने हैं मुझे परफॉर्म करने हैं एट ओवरऑल मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज असर्शन लेवल मींस मेरे टीओसी क्या होने चाहिए मेरे सबस्टिव प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होने चाहिए वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन मुझे आइडिया नहीं है कंपनी के क्लाइंट के बिजनेस के बारे में तो मैं एक्सपर्ट को हायर कर सकता हूं जो एक्सपर्ट मुझे इन चीजों में हेल्प करे और मुझे हेल्प करे इन इवेल्युएटिंग कि जो मैंने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए हैं क्या वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है तो देखो ये बेसिकली है क्या ये सारी बातें ये सारी बातें लिखी हुई क्या है मेरी वर्किंग मेरी वर्किंग की टिव प्रोसीजर की एंड इवेलुएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसिस की ये पूरा ऑडिट प्रोसेस ही तो लिख दिया आपने तो मैं किसी भी काम पर एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूं okay. यदि आप एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है मैनेजमेंट ने यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है तो डेफिनेटली मैं पहले तो ऐसे पांच सौ देखूंगा और यदि मैं ऐसे पांच सौ नहीं अप्लाई करा पा रहा मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है तो मैं छह सौ बीस पर आऊंगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर इंक्लूडेड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क Means. क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया और उसकी कंपिटेंसी कैपेबिलिटी पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा ठीक है आप ऑडिटर एक्सपर्ट रख लो जिस मैटर पर आपको मदद चाहिए क्या वो एक हाइली कॉम्प्लेक्स मैटर है जी हाँ क्या वो सिग्निफिकेंट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में जी हायर okay, कर लो क्या उस पर्टिकुलर ट्रांसेक्शन के रेफरेंस में रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर साइड पर है? जी हाँ क्या जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया उस रिस्क के बेस पर जो प्रोसीजर आपको अप्लाई करने हैं उस प्रोसीजर में आपको किसी की सपोर्ट चाहिए यस ओके गो अहेड आपको जरूरत है एक्सपर्ट की हायर करिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑडिटर्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वेन मैनेजमेंट हैज यूज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिसीजन को कि आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर कर मैं आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट हायर करना है यदि मैं अभी आपको जो ऐसे 500 में पॉइंट पढ़ाए थे वो पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस करूं लाइक नंबर वन जिस मैटर पर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया गया है वो मैटर एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर है उस मैटर की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर मैनेजमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है कंपनी का मैनेजमेंट का एक एम्प्लॉयी है तो यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर आप रिलाई नहीं कर पा रहे देन डेफिनेटली आप कहां जाएंगे ऑडिटर एक्सपर्ट पर जाएंगे ऑडिटर एक्सपर्ट पर जाएंगे तो वही पॉइंट जो एस ए फाइव हंड्रेड में अभी पढ़े ना वही सेम पॉइंट अब आपको यहां देखने को मिल जाएंगे देखो उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम का नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या कंपनी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड पार्टी है मैनेजमेंट क्या उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है सेम SA वाले आ रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम इट सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क तो यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका प्रोसीजर्स अफेक्ट होता है एसए 500 में हमने पढ़ा वो मैटर जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को इफेक्ट करते हैं यदि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया तो यदि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया और उसकी कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉई है तो ऐसी सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई नहीं कर पाऊंगा और मैं कहां पर मूव कर जाऊंगा एस एस सिक्स ट्वेंटी पर मैं अपना खुद का एक्सपर्ट हायर करूंगा तो पहली बात तो यह हो गई कि आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की आपने डिटरमाइन किया क्या आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है जी हाँ मुझे एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है वंस इट इज डिटर कि आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है तो आपका दूसरा काम क्या आ जाता है एक ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो आपके लिए एक्सपर्ट का रोल प्ले कर सके तो मैंने एक पर्सन को ढूंढा तो मुझे फिर उसकी कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा जो चीज मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट करता हूं तो वही चीज मैं ऑडिटर एक्सपर्ट में भी तो होनी चाहिए ना वही चीजें तो बी पॉइंट जो है मेरा वही है इवेलुएशन ऑफ कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट तो इसमें सेम वही पॉइंट है जैसे आपने 500 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट किया था इन द सेम मैनर जिस पर्सन को आप एज ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज करना चाहते हैं उस पर्सन की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को अब आपको इवैल्यूएट करना होगा

वो तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट था मैनेजमेंट ने हायर किया था ऑडिटर एक्सपर्ट किसको हायर करना है ऑडिटर को हायर करना है तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन तो करना पड़ेगा ना कि क्या मुझे आवश्यकता भी है वंस इट इज डिटरमाइन कि यस yes, मुझे एक आवश्यकता है किसकी ऑडिटर एक्सपर्ट की तो नंबर दो पर चलो जिस पर्सन को आप एक्सपर्ट रखना चाहते हैं उसके काम की उसके कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग ले लो देयर आफ्टर उसके काम करने की अंडरस्टैंडिंग लो वंस यू आर सेटिस्फाइड कि हां ये पर्सन मेरे काम को कर सकता है देन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिम और जो एग्रीमेंट आप करेंगे वो एग्रीमेंट एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए डिटेल होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके काम का आपकी और मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आप कम्युनिकेशन जो अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे उसको किस फॉर्म में आप मुझे देंगे किस समय तक आप मुझे अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे एंड यू नीड टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस असाइनमेंट तो मैं इस एग्रीमेंट के अंदर इन बातों को कवरअप करके चलूंगा एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट राइटिंग में होना चाहिए ये ऐसे 500 में नहीं था क्यों क्योंकि वो तो एग्रीमेंट मैनेजमेंट ने किया था ये एग्रीमेंट कौन कर रहा है ऑडिटर कर रहा है एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इन राइटिंग जिसमें आप क्या क्या चीजें लिखेंगे नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नीड फॉर ऑब्जर्व कॉन्फ़िडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियल और ये एग्रीमेंट डिटेल्ड रिटर्न होना जरूरी है क्यों क्योंकि आप एक्सपर्ट को क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की असेस दे रहे हैं क्योंकि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो आपका और एक्सपर्ट का जुरिस्टिक्शनल एरिया अलग अलग है आप सीए हैं और वो एक्सपर्ट किसी दूसरे फील्ड को रिलेट करता है जिस मैटर में आप उसकी मदद मांग रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है आपने हो सकता है प्रीवियसली उसके साथ काम ना किया हो तो रिटर्न एग्रीमेंट करके चलिए एंड जितना ज्यादा आप उसके काम को यूज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपको इस एग्रीमेंट को डिटेल फॉर्म में बनाने की जरूरत है देयर आफ्टर वंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया विद द एक्सपर्ट अब एक्सपर्ट अपना काम करेगा और एक्सपर्ट अपना काम करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देगा और आपको उसके काम को इवेलुएट करना है उन्हीं तीन चीजों पर जो ऐसे पार्थों में पढ़ी थी उस एक्सपर्ट की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन उस एक्सपर्ट ने किस डाटा पर काम किया उस एक्सपर्ट ने क्या एजम्स एंड मैथड्स यूज की क्या फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट है रीजनेबल है दूसरे एविडेंस के कंसिस्टेंट है क्या जिस डाटा पर काम किया गया वो रेलिवेंट है क्या वो कंप्लीट है क्या वो एक्यूरेट है जो एजम्पन्स एंड मैथड्स ऑडिटर एक्सपर्ट्स ने यूज की वेदर दे आर रेलिवेंट एंड रीजनेबल तो वही सारी बातें फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की एजम्पन्स एंड मैथड्स की एंड सोर्स डाटा की ये कीवर्ड्स वर्ड्स हैं जो आपको सारे याद रखने हैं रेलिवेंट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस रेलिवेंस कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी और इसकी को यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो इसके लिए आप एडिशनल कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं आप ऑडिटर एक्सपर्ट से इंक्वायर कर सकते हैं आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकते हैं आप एडिशनल कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं आप किसी दूसरे एक्सपर्ट से डिस्कशन कर सकते हैं इवन आप मैनेजमेंट से भी डिस्कशन कर सकते हैं इन चीज़ों तो ये कुछ कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स आ गए किस परपज के लिए फॉर इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क फॉर द परपज ऑफ ऑडिट एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड यदि आप सेटिस्फाइड हैं इट्स ओके लेकिन आपको लगता है एक्सपर्ट का काम आपके पर्पज को सर्व नहीं कर रहा ओके okay, एक्सपर्ट से बात करिए उसको कहिए कि एडिशनल प्रोसीजर्स करने की जरूरत है वो मान जाता है बहुत अच्छी बात है नहीं मानता है तो आप दूसरे एक्सपर्ट को हायर कर बट दूसरे एक्स मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन लगाई एक्सपर्ट की गलती नहीं है तो उस केस में यदि आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है और आपकी नॉलेज इस फील्ड के अंदर नहीं है देन यू कैन थिंक फॉर द मोडिफाइड ओपिनियन मोडिफाइड ओपिनियन अच्छा इसके बाद ये एक टॉपिक रीड करना चाहो कर लेना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेन ये है क्या ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को मुझे ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना चाहिए स्टैंडर्ड कहता है कि यदि आप ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्किंग को यूज कर रहे हैं एक मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए मॉडिफाइड रिपोर्ट देने के लिए तो आप ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को रेफर करिए लेकिन यदि आप उसकी रिपोर्ट पर एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं देन नो रेफरेंस रिक्वायर्ड तब किसी भी तरह के रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी नोट इन एनी केस ऑडिट रिपोर्ट टू क्लैरिफाई कि मैंने एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस जरूर दिया है लेकिन इससे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है अच्छा इसके एग्जाम के क्वेश्चंस देखें कुछ मैं ये एक क्वेश्चन कराता हूं आपको यह तीन चार बार आया हुआ है अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में मार्च 19 के मॉक टेस्ट पेपर में एंड मई 19 की आरटीपी में एक्स लिमिटेड की नेटवर्थ है 1300 करोड़ रुपीस जिसके कारण उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो गए कंपनी के कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एटसेट्रा जिनको फेयर रिक्वायर्ड टू बी फेयर वैल्यूड कंपनी ने फेयर वैल्यूएशन कराई थ्रू एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कंपनी ने एक्सपर्ट रखा हुआ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कंपनी स्टेटूटरी ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज किया टू ऑडिट वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट दोनों नए हैं एक दूसरे के लिए दे वर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट डेवलप्ड ए गुड बॉन्डिंग ऑडिटर डिड नॉट एंटर इन टू एन फॉर्मल एग्रीमेंट गलत किया एक फॉर्मल एग्रीमेंट का एंटर होना जरूरी था किस लिए ताकि आप उस एग्रीमेंट के थ्रू एक्सपर्ट के नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकें नंबर दो आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेपरेट कर सकें नंबर तीन आप उसके कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कह सकें कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑब्जर्व करना है एंड उसके साथ कि किस फॉर्म में उसको कम्युनिकेट करना है किस समय उसको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है इन सब बातों के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट का होना जरूरी था और एग्जाम का क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं एक मे 19 न्यू सिलेबस में आया है सी ए डाबू अपॉइंट किया गया इस कंपनी के द्वारा ऑडिट के दौरान उसको डिफिकल्टीज आई विच द मैनेजमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन टू हिम प्रॉपरली मैनेजमेंट भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए एक उसने इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की सर्विसेज को लिया मिस्टर जे मिस्टर जे ने अपनी डिटेल्स सबमिट की दाबू को क्या प्रोसीजर्स हैं सी ए दाबू को फॉलो करने चाहिए टू इवेलुएट द एडिक्यूसी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाई मिस्टर जे क्या मिस्टर जे का काम एडिक्वेट है मेरे लिए या नहीं है मुझे क्या प्रोसीजर अप्लाई करने चाहिए यह रहा सारा का सारा चार्ट। ये चार्ट है तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को अपने आंसर्स में कवर अप करना है बस और तो क्वेश्चन एग्जाम का तो बस हो गए एक और क्वेश्चन है नवंबर सिक्सटीन के एग्जाम का मिस्टर मोहन केटन लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर हैं एक्सपर्ट यूज करना चाहते हैं वो फैक्टर बताइए जो सुजेस्ट करते हैं नीड फॉर ए डिटेल एंड रिटर्न एग्रीमेंट फैक्टर क्या है अभी पढ़े हमने ये एक दो तीन चार पांच छः फैक्टर्स तो देखो क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट फ्रेम कर रहा है स्टैंडर्ड के बेशक वो सात आठ लाइन का क्वेश्चन बना दे लेकिन क्वेश्चन प्राइमरिली केस स्टडी की फॉर्म में नहीं है कि जहां पर मुझे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जैसे एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए एग्रीमेंट डिटेल्ड एंड है कौन से फैक्टर इसको गाइड करते हैं आपको ऑडिटर एक्सपर्ट के काम की वर्क की अप्रोप्रिएटनेस को इवेलुएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जब आप प्रोफेशनल एथिक्स कर रहे थे तो वहां पर एक्चुअल में केस स्टडीज थी बट यहां पर यदि हम बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल ज्यादा बन रहे हैं प्रैक्टिकल कम बन रहे हैं बट कुछ स्टैंडर्ड हैं ऐसे जहां पर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा आगे पढ़ेंगे हम उनको चलो ये हो गया हमारा एस ए सिक्स ट्वेंटी वापिस मूव करते हैं अपनी फाइव हंड्रेड सीरीज पर और 500 सीरीज में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड 501 के ऊपर 501 एक छोटा सा आसान सा स्टैंडर्ड है जो ऑडिटर को तीन पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम के रेफरेंस में तीन स्पेसिफिक कंसीडरेशन के लिए कैसे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है उसकी बात करता है नंबर एक पर उसने कहा इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए नंबर दो लिटिगेशन एंड क्लेम्स के कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए एंड नंबर तीन सेगमेंट इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर क्या एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है उसके पर्पस के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए नंबर एक मैं इन्वेंट्री के रेफरेंस में बात करता हूं तो इन्वेंट्री के दो प्रोसीजर बताए गए हैं पहला प्रोसीजर तो ये है कि यदि ऑडिटर को लगता है इन्वेंट्री मटेरियल आइटम है सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो उसको एन्श्योर करना चाहिए कि जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट कराए तो वो अपनी अटेंडेंस को इन्श्योर करें

सक्सेसफुली इन्वेंट्री को काउंट किया गया इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एंड परफॉर्म सम टेस्ट काउंट कुछ टेस्ट काउंटिंग आप खुद भी करें एंड नंबर दो एक तो यह हो गया नंबर दो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने चाहिए ओवर द एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू एंश्योर कि इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के दौरान कहीं पर कोई भी एडजस्टमेंट कोई डिस्क्रिपेंसीज कोई शॉर्टेज फाइंड आउट हुई थी तो उसकी अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में कर दी गई है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहे हैं किसका इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहे हैं किसका इन्वेंट्री काउंट का यह जनरल प्रोसीजर है याद करना है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लिखा जाएगा बट अब यदि इन्वेंट्री काउंट के टाइम पर अटेंड करना इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल था तो आपको क्या करना चाहिए आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और यदि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आपकी बात नहीं बनती है देन आपको ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना चाहिए सो यदि इन्वेंट्री काउंट इमप्रैक्टिकल है यू नीड टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसिस एज टू द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप इन्वेंट्री की रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं इसके अलावा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं दिस यदि इन्वेंट्री काउंट कराया जाता है डेट डेट अदर देन बैलेंस शीट फिर आप क्या करेंगे फिर आपको बैलेंस शीट डेट से लेकर इन्वेंट्री काउंट की डेट के बीच में इस इंटरविनिंग पीरियड के दौरान जो ट्रांसेक्शन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग को एंश्योर करना है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑबेन ऑडिट एविडेंस वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए आप एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज इंटरवीनिंग पीरियड इंटरवीनिंग पीरियड क्या उस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो ट्रांसैक्शन हुई है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया नंबर तीन ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाया इमप्रैक्टिकल नहीं था बट नहीं कर पाया ठीक है कोई बात नहीं किसी और दिन जाकर के कर लो ऑडिटर शुड टेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन एन ऑल्टरनेट डेट और चेक करें कि जिस दिन मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट किया और जिस दिन मैंने इन्वेंट्री काउंट किया इन दोनों डेट के बीच में जो ट्रांसैक्शन हुई हैं वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड द पीरियड एंड डेट क्या वो करेक्टली रिकॉर्डेड है पीरियड एंड डेट मींस मैनेजमेंट ने मानकर चल रही हैं बैलेंस शीट डेट के ऊपर इन्वेंट्री काउंट किया था मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की क्या मैनेजमेंट ने उनको अप्रोप्रिएटली राइट ऑफ कर दिया उसको चेक करिए क्या अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए हैं उनको चेक करिए एंड ऑप्टेन अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज टू दंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द मैनेजमेंट कंप्लीटनेस एंड एडियर टू लेट डाउन प्रोसीजर्स फॉर फिजिकल इनवेंट्री काउंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने बना रखे हैं उनको मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्ट फॉलो किया था मैनेजमेंट काउंट के दौरान क्योंकि ऑडिटर तो मैनेजमेंट काउंट पर जा नहीं रहा सो so, यह आपके प्रोसीजर्स आ गए अच्छा इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की कस्टडी में है आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं रिकॉर्ड की अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं आपको थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है तो आप थर्ड पार्टी के ऑडिटर से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं थर्ड पार्टी के ऑडिटर से रिपोर्ट मांग सकते हैं कि थर्ड पार्टी के गोडाउंस में किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं इसके लिए स्टैंडर्ड भी अप्लाई होता है एस एर जीरो टू आपके सिलेबस में नहीं है बट इसका ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है आप डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन ले सकते हैं अदर पार्टी से यह इन्वेंट्री का मेन टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का तो यदि हम इस टॉपिक को देखें तो इस टॉपिक में क्या किया गया इन्वेंट्री के रिलेशन में ऑडिटर को कुछ जनरल प्रोसीजर बता दिए गए और कुछ उसको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बता दिए गए जनरल प्रोसीजर के अंदर जब हम चलते हैं तो उसको कहा गया आपको अटेंड करना है इन्वेंट्री काउंट चार मेन आस्पेक्ट से और आस्पेक्ट क्या है नंबर वन मैनेजमेंट की काउंट प्रोसीजर्स की इंस्ट्रक्शंस क्या है मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस क्या है कुछ टेस्ट काउंट कर लीजिए और इंस्पेक्ट कर लीजिए इन्वेंट्री को नंबर दो आपको अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं टू इंश्योर दैट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शोज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंट फिर चार स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आ गए यदि इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल था या किसी और रीजन से आप अटेंड नहीं कर पाए या इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट कराया गया है ऑन अदर देन डेट या फिर इन्वेंट्री इज लाइन थर्ड पार्टी तो इसके ऊपर यदि मैं एग्जाम की आपसे बात करूं ना एग्जाम में एक तो इसका क्वेश्चन एक इसका क्वेश्चन और एक ये जनरल तो जो आपको लर्न करने वाली चीजें हैं ये ये और ये है। नंबर दो पर इसके अंदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात की गई है जनरल प्रोसीजर में कहा गया आप मैनेजमेंट से एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी से इंक्वायरी कर लो आप रिव्यू कर लो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स विद टी आप रिव्यू कर लो यदि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल नंबर पर कहा गया आप रिव्यू कर लीजिए लीगल एक्सपेंस अकाउंट को तीन जनरल प्रोसीजर्स बताए गए हैं अब यदि इसके अलावा आपको लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है इन रिलेशन टू लिटिगेशन एंड क्लेम तो लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस को एंश्योर करने के लिए आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं बट यदि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की रेस्ट्रिक्शन लीगल रिक्वायरमेंट उसको आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने से मना कर दे देन आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करिए बट यदि मैनेजमेंट ही आपको लीगल काउंसिल से मिलने से मना कर दे मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपसे बात करने से मना कर दे और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट ना कर पाओ तो आपके पास सोल्यूशन क्या बचता है

कि सेगमेंट की इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल एफ आर एफ प्रेजेंट हुई है तो आपको एक तो मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेनी है उन मेथड्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किया आपको इवेलुएट करना है क्या ये मेथड्स के थ्रू मैनेजमेंट इस पोजिशन में है टू एंश्योर द कंप्लायस एफ आर एफ और आप इन मेथड्स की टेस्टिंग भी कर सकते हैं एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड आपने जो करंट ईयर के अंदर सेगमेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की आप पास डाटा से प्रायर पीरियड के डाटा से भी कंपेयर करके एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू भी अप्रोप्रिएट एविडेंसिस को कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं यह पार्ट मेरे हिसाब से रीडिंग का है रिस्क ले सकते हो इस पर लिटिगेशन एंड क्लेम का पार्ट भी रीडिंग का है रिस्क ले सकते हो लर्निंग में सबसे पहले तो आपको ये पार्ट लर्न करना है एक एल वन एल वन ये लर्न करना है नंबर दो ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट इसको लर्न करना है एंड एल थ्री अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट इज इस इम्प्रैक्टिकल इसको लर्न करना है ये तीन टॉपिक हैं जो लर्निंग के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं इसके क्वेश्चन भी यदि आप देखेंगे तो वही इम प्रैक्टिकल सिचुएशन का ऑडिटर अनेबल टू अटेंड का या इन्वेंट्री अच्छा एक आर का क्वेश्चन है इनवेंट्री लाइंग अंडर ऑफ थर्ड पार्टी का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला जो प्रोसीजर पार्ट मैंने अभी आपको रिवाइज कराया है वही पार्ट इसके अंदर है तो अब आपको जो काम करना है देखो स्टैंडर्ड्स के अंदर रिवीजन में मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अपनी कुछ लिमिटेशन है रिविजन क्लासेस की कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट की जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस होती हैं उसमें करा रखा है यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव प्राइमेली सिर्फ एक क्विक रिवीजन का है सो so दैट कि जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं वो आप क्विकली रिवाइज कर ले और रिवीजन के थ्रू मैं आपको मेन ये चीजें बता पाऊंगा कि हाँ ये आपको मेन लर्न करना है और इसकी लर्निंग करने का आपका तरीका क्या है क्या वो प्रैक्टिकल केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा या वो क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाएगा बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे मैं आपको एक एक रिवीजन क्लास में जो जो स्टैंडर्ड्स बताता कराता जा रहा हूं उन स्टैंडर्ड्स का जितना पार्ट मैं आपको लर्निंग के लिए बताता हूं कोशिश करके सेम डे पर लर्न करिएगा और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस <coughs> स्कैनर से साथ साथ जरूर करिएगा स्कैनर मतलब क्रैकर या क्वेश्चन बैंक जो भी नाम पब्लिशर ने उसको दिया हुआ है बुक को ठीक है तो आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम अगले तीन स्टैंडर्ड 505, 510 अभी नहीं कराऊंगा 505, 20 एंड 530 कराऊंगा ठीक है तो इस सेशन को करते हैं ओवर गुड बाय